डिंडोरी जिला अस्पताल में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता नजर आ रहा है। अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद भी चोरियों का सिलसिला थम नहीं रहा। चोर पुलिस और अस्पताल प्रबंधन के लिए चुनौती बने हुए हैं। चोरों के द्वारा पहले मेल वार्ड, फीमेल वार्ड सहित इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। लगातार मोबाइल चोरी की घटनाओं पर स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए जिला अस्पताल के वार्ड सहित परिसर में 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन चोर कैमरे लगने के बावजूद चोरी की घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। जहां जिला अस्पताल के PICU वार्ड से चोरों के द्वारा बैग चोरी कर लिया गया, जिसमें मरीज की दवाई सहित कपड़े और रुपए रखे हुए। चोर सीसीटीवी कैमरे में बैग ले जाते हुए कैद हो गए। चोरी की घटनाओं से मरीज और स्वास्थ्य विभाग स्टाफ में चोरों का भय व्याप्त है। सीसीटीवी कैमरे लगने के बावजूद भी चोर बिना किसी भय के चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मैं यही अस्पताल प्रबंधक से चाहूँगा और यहाँ जिला प्रशासन से भी कार्य चाहूँगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की तैयार किया जाए और सिक्योरिटी गार्ड जो मरीज भर्ती होते हैं उन मरीजों का उसमें एंट्री करना चाहिए। वो तो हो ही रहा है मरीजों का एंट्री, लेकिन मरीजों से जो परिजन हैं उनकी भी आधार कार्ड, उनके वोटर आईडी, उनका परिचय पत्र पूछना चाहिए और उसके बाद अस्पताल में एंट्री करना चाहिए। ये चोर पुलिस और अस्पताल प्रबंधन के लिए चुनौती बन गए हैं। अस्पताल में ट्रेनिंग लेने आने वाली मेकलसूता कॉलेज की स्टूडेंट की साइकिल भी चोर उठा ले गए। कैमरे में भी चोर दिख रहा है लेकिन पहचान में नहीं आ रहा। हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी करते हैं, हमारी ट्रेनिंग चल रही है, हमने कल का कॉलेज कल चोरी हुई थी हमारी, कौन है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके